हेलो मित्रों, जानिए कौन है माता संतोषी, भगवान गणेश से उनका क्या नाता है। बुद्धिदाता गणेश की दो पत्नियां और दो पुत्र हैं, जिन्हें शुभ लाभ के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा गणपति की एक पुत्री भी है। जानिए उनकी पुत्री के जन्म की अनकही कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। गणपति बुद्धिदाता होने के साथ शुभकर्ता भी माने जाते हैं। जहाँ सब कुछ शुभ हो, वहाँ कभी कोई विघ्न नहीं हो सकता। इसीलिए गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ था और शुभ लाभ उनके दो पुत्र बताए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश भगवान की एक पुत्री भी थी। शुक्रवार के दिन आप जिन माता संतोषी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद कठिन नियमों वाला व्रत रखते हैं, वे माता संतोषी गणेश जी की पुत्री और शुभ लाभ की बहन हैं। माँ संतोषी को प्रेम, क्षमा, संतोष और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी का पूजन नियम व्रत कर ले तो उस पर माता की असीम कृपा बरसती है और उसके सारे दुख दूर होते हैं। संतोषी माता के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। जानिए माँ संतोषी के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणपति अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे और गिफ्ट का लेन देन चल रहा था। तभी गणेश जी से उनके पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि ये धागा नहीं, रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये बात सुनकर शुभ लाभ बड़े उत्साहित हुए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि उन्हें भी एक बहन चाहिए, जिससे वो भी इस रक्षा सूत्र को बंधवा सके। शुभ लाभ की इस मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कुछ देर बाद एक कन्या का रूप ले लिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया। तब से उस कन्या को संतोषी माता के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि संतोषी माता का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था, इसलिए उनकी पूजा और व्रत आदि शुक्रवार के दिन ही किए जाते हैं। मित्रों, आपको यह माता संतोषी भगवान गणेश कथा कैसी लगी जरूर बताएं और इस प्रकार की और भी बहुत अच्छी कथा के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट।